बारे में इस संदर्भ में ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं उसे। और कल के दिन चुनाव आयोग को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर एक शिकायत भेजकर कुछ लोगों ने मुझे और मनोज जी को रोकने की कोशिश की है। उनका मानना है कि क्योंकि मनोज तिवारी और शाजिया इल्मी भाजपा से हैं, भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उनको इस्लामिक सेंटर में मुसलमानों की तालीम और तरबियत पर कुछ भी बोलने का हक नहीं है। हम इस तरह की चेतावनी को नहीं मानेंगे। हम ज़रूर जाएंगे और इस बहुत ही ज़रूरी मौजू पर अपना पक्ष रखेंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि क्योंकि ये भाजपा से हैं इसलिए वो चुनावी माहौल बनाएंगे और मुसलमानों से वोट लेने की अपील करेंगे, यानी कि हर तरह से एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे को सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये काबिले पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है और हम लोग वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। और ये बात हमें केजरीवाल जी से पूछनी है कि वो किस, ये उनकी तरफ से साजिश है क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं जो इस तरह से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा एक और मुद्दा, जिस तरह से आज़म खान जी ने इतना अभद्र, इतना ज़्यादा आपत्तिजनक और बेहुदा बयान, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी मानसिकता और उनकी ओछी सोच जो महिलाओं के लिए है, दिखाता है। इस तरह के बयानों की, इस तरह की मानसिकता की, इस तरह की लोगों की सिविल सोसाइटी में, सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी दिल्ली स्टेट यूनिट भी इसकी निंदा करती है, खंडन करती है और मांग करती है अखिलेश यादव जी से भी, डिंपल यादव जी से भी, जया बच्चन जी से भी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आतिशी मर्लिना जी से भी कि उनकी क्या सोच है आज़म खान के इस बयान के बारे में, जिन्होंने जिस तरह से सरेआम अपमानित किया है एक जानी मानी अभिनेत्री और सांसद जयप्रदा जी को। तो ये सवाल पूछना ज़रूरी है और हम सब लोगों का फ़र्ज है ये सवाल पूछना। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जो किसी भी बात में अपनी बात रखने से और ट्वीट करने से नहीं चूकते, उनको भी अपना रुख महागठबंधन के एक बड़े नेता आज़म खान जी, जिन्होंने बड़े नेता होने के बावजूद एक बहुत ही छोटी बात कही है, उसके बारे में उनको अपना रुख सामने रखना चाहिए और स्पष्टीकरण करना चाहिए। धन्यवाद।